बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी में सबसे ज़रूरी चीज़ वो होती है सिंचाई की व्यवस्था। बरसात के मौसम में आपको पानी की व्यवस्था तो आसानी से हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, तो सिंचाई की व्यवस्था काफ़ी ज़रूरी होती है खेती बाड़ी पे। आज हम इसी पर बात करेंगे, यानी कि लिफ्ट सिंचाई पद्धति के बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आजीविका के लिए कृषि वानिकी प्रणाली होगी उपयोगी। आलू फसल को रस चूसने वाले कीटों से बचाएं। बोदी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पंत लोबिया 2। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पठारी क्षेत्रों में शुष्क भूमि की खेती पर निर्भर किसानों को आजीविका के साधन के लिए कृषि वानिकी प्रणाली काफी उपयोगी साबित होगी। इसके तहत किसान वन वृक्ष, अनाज और पशुओं के लिए चारा उत्पादित कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आलू फसल में लगने वाले लाही कीट रस चूसने वाले कीट हैं, जो फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है। आलू फसल को लाही कीट से बचाने के लिए प्रोफेनोफास 1500 मिलीलीटर या इमिडाक्लोप्रिड 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। किसान भाई, मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इससे कई खाद्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विशेषकर गेहूं का जब आटे के रूप में इस्तेमाल करें तो 8 किलो गेहूं में 2 किलो ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, कोदो को मिलाया जा सकता है। यह मल्टीग्रेन आटा होगा जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। किसान भाई, आप मोटे अनाज से पहला चीज़ तो आप ये रोटी के रूप में, लड्डू के रूप में, आप उसको पास्ता के रूप में, आप उसको बिस्कुट के रूप में और ब्रेड के रूप में, दलिया के रूप में और साथ साथ कहीं कहीं समोसे के रूप में, सेवई के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो आप जो है जिसमें जो रुचि जिसका हो वह घूम फिर करके आप उसको लें। और आटा जो बनाते भी हैं उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, 10 किलो आटा बना रहे हैं उसमें 8 किलो गेहूं रहेगा, 2 किलो में आप ज्वार है, बाजरा है, मड़ुआ है, कोदो है, कंगनी है, जो आपको पास मिलता है उसको मिला दीजिए और फिर पिसा करके उसका जो आटा बनाएंगे वह मल्टीग्रेन आटा हो गया। उसमें तरह तरह की चीज़ें आ गई तो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जबकि आप जो है केवल जो गेहूँ का आटा उपयोग करते हैं उसकी अपेक्षा यह मल्टीग्रेन आटा ज़्यादा उपयोगी, ज़्यादा लाभदायक रहे। बोदी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत लोबिया 2 लगाएं। बोदी की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला दें। बोदी ऊंची जमीन की फसल है, इसलिए खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। किसान भाई, बागवानी में निकौनी के लिए नूतन खुरपा नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 6 से 8 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के बारे में। गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने के लिए फूल गोभी या पत्ता गोभी को कतारों में लगाएं। इसमें गोभी के हर 25 कतार के बाद 2 कतार सरसों फसल लगाएं। ध्यान रहे इसमें पहला और अंतिम कतार सरसों फसल का ही होना चाहिए। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरम्भ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8,00,000 रुपए तक स्वयं सहायता समूह को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। किसान भाइयों, हम बात कर रहे थे लिफ्ट सिंचाई पद्धति की। झारखंड का जो प्रदेश है वो पठारी प्रदेश है, काफी ऊंची ऊंची जगहों पर जो है खेती के लिए जमीन है, लेकिन वो बरसात के बाद वैसे ही पड़ी रह जाती है। लेकिन सिंचाई की जो व्यवस्था आई है लिफ्ट सिंचाई पद्धति, इससे किसान का जीवन काफी आसान हो गया है। अगर बात करें गुमला के भंडरिया गांव की, तो वहां पर के किसान बरसात के बाद धान की खेती के बाद वहां से बाल बच्चों के साथ पलायन कर जाते थे, जहां उन्हें कभी अपनी रोजी रोटी का की ज़रूरत होती थी और वहां चले जाते थे। लेकिन अब इस व्यवस्था के आने के बाद वे सभी गांव वापस आ रहे हैं और उनके बच्चे अब स्कूल भी जा रहे हैं। ऐसे में इस पद्धति ने उस गाँव के साथ ही साथ झारखंड के कई क्षेत्र के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। चलिए, यकीन नहीं होता ना, वृत्त चित्र के माध्यम से हम आपको ये दिखाते हैं। जल खेतीबाड़ी का सर्वाधिक जरूरी उपादान है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जल की कमी या सिंचाई के स्रोत
खेत से दूर होने के कारण अधिकांश भूमि असिंचित रह जाती है और साल में एक ही बार वर्षाश्रित खेती हो पाती है। गुमला जिला का भंडरिया डांड गांव भी इस त्रासदी का शिकार रहा। यहाँ की खेती पहले वर्षाश्रित थी। जाहिर सी बात है कि शेष समय खेत वीरान और बंजर रहता था। रोजगार के लिए स्थानीय लोग पलायन करते थे, लेकिन समय और परिस्थितियां बदली। क्षेत्र में प्रधान नामक संस्था ने सोलर लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था की और गांव की तस्वीर बदल गई। धान खेती करने के बाद में नवंबर दिसंबर के बाद में हमारे यहाँ धान कटनी हो जाने के बाद में अधिकतर लोग 6 महीना के लिए यहाँ से दूसरे जगह में पलायन कर जाते थे। कोई यहाँ रह के गुमला काम करने के लिए जाते थे और कोई ईटा भट्टा या भारत के विभिन्न क्षेत्र में काम करने के लिए चले जाते थे। लिफ्ट तकनीक सबसे पहले तो हमारे गांव में प्रधान के दादा आए हैं, बिंदेश्वर दादा, वो हमें लिफ्ट सिंचाई के बारे में या सोलर लिफ्ट सिंचाई लगाने के बारे में बताएं, जिसमें हम लोग सब हमारे गांव के लोग सभी संगठित हो के समिति तैयार किए। उसके बाद में जो पलायन करते थे लोग वो साथ में पलायन ना करें इसलिए प्रधान जो कोशिश किए मशीन लगा के उसमें खेती बाड़ी करने लगे हम लोग। भंडरिया गांव के निवासी गजेंद्र बताते हैं कि पहले खेती वर्षाश्रित थी, खेती का रकबा भी कम था। नदी के किनारे जो खेत हैं वहीं खेती बाड़ी होती थी, लेकिन सोलर लिफ्ट सिंचाई से पलायन रुका है। लोग अब संगठित होकर बड़े क्षेत्र में खेती कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ छोटे एरिया में खेती होते थे, जो नदी के किनारे या नदी के 100 फीट 200 फीट जैसे दूरी तक में खेती करते थे। अभी हमारे गांव के सामने तक या तो ऊपर तक थोड़ा जाके अभी खेती कर रहे हैं हम लोग। दरअसल निचले जल स्रोतों से पंप या किसी अन्य यांत्रिक तरीके से ऊंची जगह पर पानी पहुंचाकर सिंचाई करने की तकनीक को लिफ्ट सिंचाई कहा जाता है। यदि यह पंप सौर ऊर्जा से संचालित होती है तो इसे सोलर लिफ्ट इरिगेशन कहा जाता है। भंडरिया में सोलर लिफ्ट इरिगेशन इकाइयों की स्थापना की गई है, जिससे अब स्थानीय लोग पहले वर्षाश्रित खेती के बदले बागवानी और सब्जी फसलों की भी खेती कर रहे हैं। इस तकनीक के कारण लोगों की कमाई बढ़ी है और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। लिफ्ट तकनीकी से हम लोग तरह तरह का साग सब्जी डाल रहे हैं और प्रधान की ओर से हम लोग को सहयोग भी मिला है, जैसे टमाटर सब, मिर्चा और आम बागवानी सब मिला है, नींबू सब मिला है। लिफ्ट नहीं लगा था उस समय, बस हम लोग बरसात में खेती करते थे, धान का खेती करते थे, उड़द मड़ुआ, ये बादाम, घोड़ा, ये सब करते थे। और उसके बाद में बरसात के बाद में कटाई सब हो जाता था, उसके बाद में हम लोग बाकी भी खेती बंजर रहता था और जो ऐसे ही पड़े रहते थे वे लोग बाहर कमाने के लिए चले जाते थे और जो घर में रहते थे वो लोग वही गाय बैल बकरी सबको रख रखाव देख दिखाव करते थे। क्षेत्र की महिलाएं बढ़ चढ़कर खेती बाड़ी में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। महिला मंडल के माध्यम से महिलाएं संगठित हो रही हैं। खेती बाड़ी पर चर्चा होती है और वे काफी खुश हैं। आलू डाले थे, आलू को अभी कोड़ाई कर रहे हैं और बैंगन डाले हैं, मिर्चा डाले हैं, टमाटर डाले हैं, गोभी डाले हैं। अब खेत यहाँ के लोगों के लिए न केवल भरण पोषण का साधन है बल्कि यहाँ के लोगों का भविष्य भी संवार रहा है। बच्चों को शिक्षा भी मिल रही है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। हमारे गांव में लिफ्ट आ जाने से जो कम खेती कर पाते थे वो ज़्यादा
जगह में खेती कर पा रहे हैं। और ज़्यादा खेती करने से हम लोग को जो बाहर जाते थे दो पैसा मिलेगा, दो पैसा कमाएंगे, तो वो हमको जाना नहीं पड़ रहा है। हमको अपना गांव का जो ज़मीन है इसी से उपजाऊ कर रहे हैं और उसी से लाभ आ रहा है। पहले खेती बाड़ी से क्षेत्र के लोगों की जीविका किसी तरह चल पाती थी, लेकिन अब खेती बाड़ी घर के जरूरतों की चौखट को पार कर आमदनी का स्रोत बन गई है। सोलर लिफ्ट सिंचाई की वजह से बच्चे अब शिक्षित हो रहे हैं, समस्याओं का निदान हो रहा है, बीमारों को इलाज मिल रहा है और थोड़ी बहुत बचत भी हो रही है। हमारे गांव में पहले खेती हो नहीं पा रही थी और आज सोलर लिफ्ट लगने से हमारे गांव में बहुत तरह तरह के खेती करने लगे हैं। पहले धान खेती हो रही थी, मड़ुआ, उड़द, गोंदली, बादाम, ये सब खेती कर रहे थे और अभी बहुत बड़ा एरिया में हम लोग चारों तरफ गांव के अगल बगल सब तरफ खेती करने लगे हैं। गांव तक सिंचाई पहुंच करके हम लोग बहुत तरह के लाभ ले रहे हैं, जैसे साग सब्जी उपजा करके बाजार ले जा रहे हैं। पहले खाने के लिए थोड़ा सा कर रहे थे और अभी बाजार में बेच करके दो पैसा कमा रहे हैं। उससे हमारे घर में जो समस्याएं हैं वो भी पूरी हो रही है और बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए या हर एक तरह की समस्याएं ख़त्म हो रही है। पहले तो बहुत समस्या था, मतलब किसी का कोई मशीन नहीं था पानी का चलाने का, और ये अपना लाइट बरहा बना के पटाते थे छोटा छोटा में, और वैसे अपना खाने के लिए आलू प्याज लहसुन ऐसे साग सब्जी लगाते थे, बाज़ार नहीं ले जाते थे, थोड़ा मात्रा में करते थे तो बाज़ार घर में खाने के लिए होता था तो बाज़ार कैसे ले जाएंगे, वैसे करते थे। उस समय आप लोगों का जीविका प्रयोजन कैसे चलता था? इसी तरह चलता था, मतलब गुमला कमाने जाते थे तो कोई भट्ठा जाते थे तो कोई कहाँ कहाँ जाते थे कमाने के लिए। विंदेश्वर साहू प्रधान में क्षेत्र समन्वयक यानी एरिया कोऑर्डिनेटर हैं। वे बताते हैं कि भंडरिया डांड टोली एक पिछड़ा क्षेत्र था। वर्ष 2000 के आसपास यहां स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, लोगों में बचत की आदत शुरू हुई, कई तकनीकी जानकारियां भी ग्रामीणों तक पहुंचने लगी। फिर सौर ऊर्जा आधारित लिफ्ट पद्धति से क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब कई एकड़ जमीन की सिंचाई इस परियोजना के माध्यम से हो रही है। अब महिलाएं बागवानी से भी जुड़ी हैं और सिंचाई के लिए जल के अन्य स्रोतों का भी निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2000 आसपास प्रधान के माध्यम से सबसे पहले इस गांव में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। गठन करने के बाद में दीदियों को बचत के बारे में बताया गया, फिर विभिन्न प्रकार की तकनीकी जानकारी दी जाने लगी और लोग खेती बाड़ी के लिए अपना स्वयं सहायता समूह से ही लोन लेके खेती बाड़ी करते आ रहे थे। लेकिन बीच में सिंचाई का साधन नहीं हो पाने के कारण सिर्फ खरीफ फसल भर कर पाते थे और लोग गांव से पूरे परिवार के साथ पलायन कर जाते थे या कुछ कुछ परिवार में सिर्फ दादा पलायन करते थे। वर्ष 2021 में हमारे महिला विकास मंडल और प्रधान के संयुक्त प्रयास से इस गांव में सोलर आधारित लिफ्ट सिंचाई परियोजना का प्लान को बताया गया। उस परियोजना के तहत आज इस गांव में 3 सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थापित की जा चुकी है। भंडरिया डांड गांव के लोगों की मेहनत और प्रधान के मार्गदर्शन से क्षेत्र की तस्वीर बदली है। अब यहाँ के किसान खेती बाड़ी की नई तकनीकें अपना रहे हैं,
साप्ताहिक बैठक कर विचार विमर्श करते हैं, बाजार की व्यवस्था को भी दुरुस्त करते हैं। प्रखंड ही नहीं बल्कि जिला में इस गांव का नाम रोशन होगा। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से यहां की जो दीदियां मेहनत कर रही हैं, दादा मेहनत कर रहे हैं, पहले अपने खाने के लिए जो खरीफ में हो पाता था उसको धान को बेचकर अपना परिवार चलाते थे, बट कुछ समय से अभी खेती बाड़ी करके लोग अपना जीविका चला रहे हैं। बहुत सारी दीदियां हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और खेती के नए नए गुर सीख रहे हैं। दुखनाथ उरांव जैसे ग्रामीण बताते हैं कि गांव को नई दशा और दिशा प्रदान करने में प्रधान की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसान इससे जुड़कर योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। पहले हमारे गांव में एकदम बहुत कम खेती होते रहे, मड़ुआ मन करत रही, फिर सब भाटा मन चल जाते रहे करके, मतलब धान उन करके काट के भाटा चल जाते रहे। उसके बाद में बस बिंदेश्वर दा अलग कहीं से घूमते हुए तो वो प्लान के कहलक कि ऐसे निशन बात है कि मिजोरिटी करबा, तो हमें हाँ दादा बताओ कहली, तो बिंदेश्वर दादा बताए के लगलक। तब गांव कर एकजुट हो ली और बैठ ली और सोच ली कि ऐसे निशन करे खे हमरे के गांव वाला, तो उसके बाद में हमें गांव वाला सोच ली। उसके बाद में फिर क्या लागली कि के लिफ्ट के हमें बैठा, ठीक है बिंदेश्वर दादा बताए दिला गरी। सुखराम गोप जैसे ग्रामवासी मानते हैं कि सोलर लिफ्ट इरिगेशन की वजह से भंडरिया डाड़ गांव में व्यापक परिवर्तन हुआ है। पहले ग्रामीण वर्षाश्रित खेती करते थे और खेत एक फसली था, लेकिन लिफ्ट इरिगेशन की वजह से धान, उड़द और मड़ुआ की पारंपरिक खेती के अलावे स्थानीय किसान सब्जी की भी खेती कर रहे हैं और बागवानी को भी बढ़ावा मिला है। बच्चों को शिक्षा मिल रही है और खेत में हरियाली छा गई है। इसमें अंतर बदलाव तो बहुत देखने को मिल रहा है। जैसे गांव के चारों तरफ जिधर जाएंगे उधर खाली हरा भरा दिखाई दे रहा है। पहले इससे पहले सिर्फ नदी किनारे में जिसका खेत है, धान कटने के बाद में कुछ बहुत फसल लगता था और बाकी सब इस डाड़ जो है कहीं रहर मिलता था ना, बाकी सब बंजर रहता था। जी बहुत खुशी है हमको और खुशहाल देखने को मिल भी रहा है। जैसे यहाँ के बच्चे जो भी बिगड़ते हुए नज़र आ रहे थे, हमारे नज़र से सुधार बहुत कुछ हो चुका है। पहले जो घूमता फिरता था ऐसे ही लवारिस जैसे, वो जो अभी अपना खेती बाड़ी में लग चुका है, खेती बाड़ी अपना कर रहा है। नहीं लाभ तो मिल रहा है सर, लाभ मिल रही है। वो अपना कुछ बचत कर रहा है, कुछ अपना बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई खर्च कर रहा है। और इससे पहले जो है जो भी धान का फसल होता था, उड़द मड़ुआ होता था, उसको बेच के ही अपना घर का मेंटेन कर पाता था और अभी अपना खेती बाड़ी से अपना घर मेंटेन कर ले रहा है। झारखंड में जल स्रोतों की कमी नहीं है। झरने, नदी, तालाब और डैम के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई होती तो है, लेकिन ऊपरी क्षेत्र बरसात के बाद सूखे का दंश झेलता है। खेत से सिर्फ एक ही वर्षाश्रित फसल लेना संभव हो पाता है, लेकिन यदि भंडरिया डाड़ टोली की तरह प्रदान जैसी संस्थाओं की सहायता से सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम को अपनाया जाए तो झारखंड के गाँव के लोगों की आर्थिक स्थिति में व्यापक बदलाव देखा जा सकता है। इससे भविष्य में झारखंड के ग्रामीणों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तानाबाना में व्यापक बदलाव होगा, जो राज्य की समृद्धि और सशक्ति का कारण बनेगा। तो देखा किसान भाई बहन किस तरह से लिफ्ट सिंचाई पद्धति ने यहाँ के लोगों का जीवन आसान कर दिया है। अब यहाँ के बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और इनके चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।